नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बजट 2024 की हम बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ ही देखेंगे कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या घोषणाएं की। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को दो भागों में बांटेंगे बेटा। पहले में हम क्या देखेंगे, पहले में हम देखेंगे कि बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है, बजट में किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया है, किन किन मुद्दों पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कृषि के लिए जो है बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखो, बजट भाषण में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोली नहीं जा सकती, क्योंकि बजट बहुत बड़े आकार का होता है, उसको सबको पढ़ के नहीं सुनाया जा सकता है। किंतु बजट के भाषण को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो प्राथमिकता में रहे। तो चलिए, रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से हम बात करते हैं बजट 2024 के बारे में हाईलाइट्स की। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सरकार की 9 प्राथमिकताएं जो थी वो बजट में क्या था, है ना। तो वित्त मंत्री जी ने बताया कि खेती में उत्पादकता को बढ़ाना जो है वो पहली प्राथमिकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बजट में पहली ही प्राथमिकता में कृषि को रखा गया है, तो ये आपके लिए कृषि के लिए, कृषि के संबंधित जितने किसान हैं उनके लिए, कृषि विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सेकंड, रोजगार और क्षमता विकास। देखो, आप सब जानते हैं चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का रहा है। आज आप जानते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में रोजगार के कारण जो है अशांति की स्थिति बनी हुई है, गृह युद्ध तक की नौबत आ गई, आर्मी जो है वहां पे लोगों को संभाल रही है। तीसरा जो था है वो है समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। मानव संसाधन विकास का मतलब होता है कि वहां के इंसानों के, वहां के जो जनता होती है किसी देश की, जब उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात करते हैं, जब वहाँ स्किल की बात करते हैं, मानव संसाधन यानी स्किलफुल जो है जॉब्स एम्प्लॉयज डेवलप करना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है आपका विनिर्माण और सेवाएं। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पे जोर दिया गया है। शहरी विकास करने की भी योजना है सरकार की। ऊर्जा सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा रहेगा ही, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ आपको देखना नवाचार, इनोवेशन यानी साइंटिफिक रिसर्च, शोध और डेवलपमेंट को भी यहाँ पर बजट में प्रमुख बनाया गया है। अगली पीढ़ी के सुधार के लिए भी बजट में, है ना, इन 9 मुद्दों पर ध्यान दिया गया। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो कृषि को दी गई, उसके अलावा रोजगार, क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। अब आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स जनरल आता है, तो वहां पर ये 9 मुद्दे में से आपसे पूछ सकते हैं कि पहले नंबर का, है ना, कौन सा मुद्दा जो है वित्त मंत्री जी के द्वारा उठाया गया। सेकंड हम बात करते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। तो हर आदमी के मन में एक ही सवाल आता है बजट होने के बाद कि इस बजट से हमको क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। तो जब कोई चीज सस्ती होती है तो लोगों को फायदा होता है, जब कोई चीज महंगी होती है तो लोगों को नुकसान होता है। तो हम देखेंगे सस्ते में क्या सस्ता हुआ। मोबाइल फोन सस्ता हो गया है आपका, मोबाइल फोन के पार्ट सस्ते हो गए, चार्जर सस्ता हो गया। सीधी सीधी बात करें तो हर आदमी के जेब तक पहुंचने की कोशिश की गई है बजट में। मोबाइल फोन एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अभी जो है चल रहा है, और इस तरह से देखा जाए तो मोबाइल सस्ता करके कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। आजकल नई जनरेशन तो हर 4-6 महीने 8 महीने फोन चेंज कर लेती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके। दूसरा, सोलर पैनल और सोलर सेल, जैसे ऊर्जा पे हमने अभी देखा कि ऊर्जा सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है, और सोलर ऊर्जा जो है, जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, वो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ पर सोलर पैनल हर घर के ऊपर अब लगने वाले, ऐसी सरकार की योजना है। सोना चांदी और प्लेटिनम, है ना, तो धातुएं सस्ती करने से महंगाई की दर जो है वो नीचे रहती है। अगर धातुएं महंगी होगी तो महंगाई की दर और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 25 आवश्यक खनिजों को भी यहाँ पर सस्ता किया गया। कैंसर के इलाज में 3 दवाइयां जो है वो सस्ती की गई है। तो ये तो सस्ते की बात कर दी, अब हम बात करते हैं कि महंगा क्या किया गया। पीवीसी, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, पीवीसी के पाइप्स आते हैं, शीट्स आती हैं, जिसको हम एक तरह के प्लास्टिक मानते हैं, फ्लेक्स और बैनर यानी एडवर्टाइजमेंट करना आपका महंगा पड़ेगा। कुछ दूर संचार के उपकरण भी महंगे किए, मतलब मोबाइल सस्ता है किंतु बात करना महंगा है, है ना, कहीं ना कहीं जियो ने रेट बढ़ाए हैं, वो इसी से संबंधित हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी के भाषण की अहम बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 10 साल में सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।
तो ये तो उपलब्धि जो है उन्होंने गिनाई है कि पिछले 10 साल में हमने सबके लिए जो आवास की योजना, हर घर जल पहुंचाने की बात थी, और बैंक खाते जैसे काम है हमने रिकॉर्ड समय में पूरे कर दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, मतलब 140 करोड़ लगभग के आसपास आबादी है भारत की, और इनका कहना है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जो कि एक बहुत सामान्य सी बात है। प्रति वर्ष हर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती, कुछ सरकारें ज्यादा बढ़ाती है, कुछ कम बढ़ाती है, इसको हम उपलब्धि में नहीं गिन सकते हैं। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया। अब ये पारदर्शिता जो है, ये आप सब लोग जानते हैं कि कितनी पारदर्शिता है, पर कहीं ना कहीं कुछ पिछले 10, 12, 15 सालों में जो विकास की दर है भारत की, उसमें वृद्धि जरूर हुई है ना। जो होना थी उतनी तो नहीं हुई है, पर पिछले वर्षों की तुलना में कुछ वृद्धि जरूर देखी जा सकती है। तो बिल्कुल हमको है ना अनबायस्ड होके, निष्पक्ष होके इन सारी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इन बातों का मनन करना है। अपने को कभी भी किसी भी चीज के बहकावे में नहीं आता है, चाहे न्यूज़पेपर में कुछ छपा हो, चाहे न्यूज चैनल्स कुछ दिखा रहे हो, आपको सच्चाई का पता खुद लगाना। अब देखिए बजट में कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया गया, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है डिफेंस, सबसे पहला खर्चा जो है, सबसे बड़ा खर्चा जो है बजट में देखा गया, वो था आपका डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में। तो राफेल मंगाने के बाद से ही भारत सरकार रक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है, और जरूरत भी है, क्योंकि अपने पड़ोसी अपने दुश्मन बने हुए हैं। अगर रक्षा के क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो घुसपैठ करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है ना। चलो बहुत बढ़िया। सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट पे लगभग 2,65,808 करोड़ रुपए का खर्चा किया। होम अफेयर्स, इसके पहले एग्रीकल्चर और एलाइड को तीसरे नंबर पर लिया गया है, 1,51,851 करोड़, लगभग 1,52,000 करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर और संबंधित कार्यों के लिए दिया गया। होम अफेयर्स की बात करें गृह मंत्रालय की, तो यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ लगभग कृषि के बराबर दिया गया। एजुकेशन पे 1.25 लाख करोड़, 1.25 है ना, 1.25 लाख करोड़ जो है एजुकेशन पे खर्चा किया जजाएगा। आईटी और टेलीकॉम पे 1,16,000 करोड़, तो आईटी पे सरकार विशेष ध्यान दे रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे लगभग 90,000 करोड़ का बजट पास किया गया है। सेकंड एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर समाज कल्याण में 56,000 करोड़, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 47,500 करोड़। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स और इंडस्ट्री को बहुत कम बजट दिया गया है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, 1/3 बजट यहाँ पर दिया गया, 1/3। तो आपको यहाँ भी थोड़ा बजट डालना था मुझे जहाँ तक लगता है, साथ ही साथ एनर्जी में भी काफ़ी बड़ा बजट डालना था, ताकि जो ऊर्जा के साधन है वो सुलभ हो जाएं, और जो ऊर्जा जितनी महंगी पड़ रही है किसानों को या घरेलू उपभोग के लिए, वो भी सस्ती हो जाए। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ने इस बजट में 4 चीज़ों को प्राथमिकता दी है। सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं को, किसानों को, यूथ यूथ यानी युवाओं को, और गरीबों को। तो बजट में विशेष रूप से 4 चीज़ों की चर्चा की गई, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई व्यक्ति फार्मर की चर्चा करता है, खास करके वित्त मंत्री भारत के जब किसानों को आगे लेके चलेंगे। देखो किसी भी देश की सबसे मजबूत कड़ी होती है वहाँ का उत्पादन, और भोजन उपलब्ध कराना दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो हमारे किसान बखूबी करते आ रहे हैं। खुद भले धूप छाँव ठंड गर्मी बारिश झेलते हैं, किंतु इन किसानों ने ही हमको खाद्य सुरक्षा में रख रखा है। गरीबी या हम कहें कि भुखमरी की जो समस्या थी आज़ादी के पहले, उसको समाप्त किया है। आज हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए, ये सब किसानों की वजह से ही हो पाया। दूसरी बात, महिलाएं, महिलाओं को हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया गया है ना। लगभग आधी आबादी होने के बाद भी उनकी जो सहभागिता है वो ठीक से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। यहाँ तक नौबत है कि उनको आरक्षण दे के और सभी क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को बढ़ाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। तीसरा, युवा वर्ग जो है अपने मार्ग से बिल्कुल निश्चित रूप से अधिक मात्रा में भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को काम करना पड़ेगा कि देश के युवा जो है, मोबाइल फोन सस्ता करके अच्छा काम तो किया है, पर इसी मोबाइल फोन ने कई युवाओं का जीवन बर्बाद किया है और निरंतर रूप से करता जा रहा है। तो युवाओं पे
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्कूल पे, कॉलेज में जो युवा पढ़ रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाने का। चौथा है पुअर, गरीबों। तो गरीबी वैसे तो एक तरह से अभिशाप मानी जा सकती किसी भी देश के लिए, तो गरीबी को मिटाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा, और इसकी चर्चा जो है वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में बखूबी की है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, गरीब महिला युवा अन्नदाता, चार चीजों का जिक्र जो है उन्होंने अपने भाषण में किया। अब सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 5 वर्ष तक कर दिया गया है। सीधे सीधे अन्न कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। यह योजना 80 करोड़ लोगों के लिए फायदेमंद है। तो जैसा उनका मानना है कि लगभग आधी आबादी के फायदे की योजना है जो नेक्स्ट 5 ईयर तक कंटिन्यू रहेगी। 1,48,000 करोड़ रुपए जो है एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे, ये भी उन्होंने घोषणा की। और बात करते हैं कृषि के लिए, बजट जो है वो लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए का कर दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ाया है इस बजट को। 32 सस्य और बागवानी यानी क्रॉप्स की जो है यहाँ पर 32 किस्में जो है वो डेवलप की, सॉरी 32 क्रॉप्स की 109 किस्में जो है आपकी डेवलप की जाएगी, जो रिलीज की जाएगी। उनके बारे में अभी डिटेल में जानकारी नहीं, जैसे आएगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। प्राकृतिक कृषि के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक कृषि है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती ऑलमोस्ट सेम है, इनमें थोड़े थोड़े बेसिक से अंतर है, पर साधारण भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है 1 करोड़ किसानों को तैयार करने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। उन 5 राज्यों के नाम जो है वो क्लियरली अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, फिर भी उनका ऐसा कहना है कि 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। कृषि अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्रों की सहायता ली जाएगी। यहाँ सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि वो एग्रीकल्चर में इनोवेशन करें, वहाँ पर डेवलपमेंट करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है। एक सरकारी सिस्टम में बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी जो इनोवेशन है वो बहुत कम हो पा रहे हैं, जितने भी रिसर्च है बहुत स्लो चल रहे हैं, जबकि हम प्राइवेट में देखें उससे आधा खर्चा करने के बाद भी वो लोग जो है नवाचार में बहुत आगे हैं, इनोवेशन उनकी नई है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, लेजर टेक्निक्स आ रही हैं, सैटेलाइट जो है प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को आप प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोमेटिक जागने लग जाएगा। तो यहाँ पर उनका कहना है कि कृषि अनुसंधान के लिए हम प्राइवेट सेक्टर्स की मदद भी लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। तो 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को है ना जोड़ेंगे और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। सीधे सीधे सब्सिडी देंगे, नई नई स्कीम लॉन्च करेंगे। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं में इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब है जितने भी वैज्ञानिक संस्थाएं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे भी साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे भी साइंटिस्ट होते हैं है ना, कृषि विभाग में भी जो हायर पोस्ट पे लोग होते हैं लगभग वो भी MSc किए हुए होते हैं, तो ऑलमोस्ट साइंटिस्ट होते हैं, ARO वगैरह जैसे हम बात करें। फिर इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी ये काम किया जाएगा, तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों को भी उन्होंने शामिल किया है। न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्र बनाएंगे झींगों के लिए है ना, तो ये हर बजट में आपका जो है इनके लिए हमेशा हमेशा केंद्र सरकार जो कुछ ना कुछ करती है जिससे झींगा उत्पादन बढ़े, उसका प्रसंस्करण निर्यात जो है उसमें भी सहायता की जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि झींगों के लिए हर साल बजट में कोई ना कोई प्रावधान रहता ही है। साथ ही साथ सब्जी विक्रय के लिए स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि हर शहर में, हर विकसित और विकासशील शहर में, हर मेट्रो सिटी में सब्जियों के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं। सरकार फिर भी चाहती है कि मंझोले स्तर के शहरों में या गाँव में, कस्बों में भी कहीं ना कहीं सब्जी विक्रय के लिए स्टार्टअप, सब्जी विक्रय करना बहुत जरूरी, क्योंकि उत्पादन तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किंतु फिर भी 25-30% तक उत्पादन जो है वो नष्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सब्जियों को खपाना पड़ेगा। दलहन और तिलहनी फसलों के लिए उत्पादन, भंडारण, विपणन के लिए सुदृढ़ जो है प्रयास किए जाएंगे, मिशन स्तर पर कार्य किया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा। तो इस बजट में पहली ही लाइन जो है खेती की है। सेकंड हम बात करें तो बजट में सबसे बहुत एक हम कहें कि सेकंड या थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर को बजट दिया गया 1,52,000 करोड़ रुपए का, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है, युवाओं को, महिलाओं को है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं को, बहुत सारा कुछ इस बजट में है।
हम बजट को बहुत बेहतर नहीं कहेंगे, बहुत फायदेमंद नहीं कहेंगे। अभी अभी नई नई सरकार आई है, ताजी ताजी सरकार आई है, पूरा सारा भंडार इस साल वो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। इसके लिए आपको 1 या 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिर भी महंगाई की दर जो है उसको नियंत्रित करने के प्रयास सरकार के द्वारा नियमित समय से किए जा रहे हैं। स्पीड कम है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगी, स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो है अपने जनता को, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, अपने बिजनेसेस को दे रखा है। भारत सरकार को भी ध्यान रखना है, भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको निपटना पड़ेगा। पर हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत निम्नतर जीवन स्तर पर जी रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में जो गरीब लोग हैं उनका जीवन नरक के समान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा। गाँवों को विकसित करना होगा, गाँव को स्टार्टअप देना पड़ेगा, गांव में ही आपको इंडस्ट्री स्थापित करना पड़ेगी, क्योंकि शहर जो है अब पूरी तरह से भर चुके हैं। वहां रहना बहुत मुश्किल है, वहां जीना बहुत मुश्किल है, आवागमन की सुविधाएं मुश्किल है, पानी बिजली बहुत मुश्किल है। इसलिए गांव को यूनिट मान के कहीं ना कहीं आपको भविष्य प्लान करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा बजट रहा, मिला जुला सा बजट रहा। अब बात करते हैं राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात तो प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत और वैज्ञानिक संस्था इसके लिए जो है प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग जो है वो करने का कार्य करेगी। हर राज्य में आवश्यकता अनुसार बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कुल मिला के 10,000 बायो रिसर्च सेंटर का जो है टारगेट अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है। 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। ये जो फसलें नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है, मुआवजा देने की नौबत आ जाती है, तो उसका डिजिटल सर्वेक्षण जो है वो पहले से करके रख लिया जाएगा, ताकि पहले क्या था और बाद में क्या नुकसान हुआ उसके आकलन का अंदाजा बहुत अच्छे से लग जाए। तो कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग करके आपको रखना पड़ेगी। तो बजट में खेती के लिए जो प्रमुख प्रावधान थे उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ अपनी मेहनत में हमेशा लगे रहिए, आपको एक दिन आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा, इस बात में यकीन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।